हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने हैं टर्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसके लिए हम लोग तो बहुत सारे रेफरेंस भी देखते हैं। हमारे पास एक रेफरेंस है 3/4 रेफरेंस, लाइक कुछ चीज़ छूट जाती है जिन्हें हम लोग यहाँ पे देख के चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे कई चीज़ फ्रंट में क्लियर नहीं होती, कई चीज़ साइड में क्लियर नहीं होती, तो हम लोग 3/4 वाले पार्ट को भी देख के यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक हमने लास्ट टाइम देखा था, यहाँ पर शेप थोड़ा सा डिफरेंट था। ओके, इनको थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक सपोज लिटिल बिट टर्न करने के बाद लाइक बेसिक सा पार्ट। ओके, गो टू फ्रंट देन R4 स्केल, स्केल करके सेट कर देते हैं हम लोग यहाँ स्टेट। ठीक है, P4 परस्पेक्टिव एंड जेड। सिंपल से एक बॉक्स यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड है। हम लोग ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, लाइक मैं एक बॉक्स बना, तो बॉक्स बनाने के लिए मैं पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट लाइक पहले एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे ओके R4 स्केल मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस टाइप से पार्ट है आपका यहाँ पे। ओके, देन नीचे से थोड़ा सा पार्ट कनेक्टेड है, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट को थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। सपोज लाइक वॉल्यूम सेलेक्ट कर दिया मैंने, दिस वन। ठीक है, तो मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक एंड एक्सट्रूड। ठीक है, शेप्स को लाइक परस्पेक्टिव में भी हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक F3 सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा इस टाइप से मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे शेप्स को देख के मैं काम करना है, जो शेप्स है लाइक ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, R4 स्केल वन साइड स्केल, लेकिन F3 करके देखना कुछ और वर्टेक्स सेलेक्ट ना हो, लाइक बाई चांस कोई दूसरा वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाए तो देन दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक मुझे यहाँ पे सेम ही पार्ट में इसी टाइप से मैं मैनेज भी करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ और कर सकता, लेकिन मैं अंडू कर दे, मैं इतने पॉलीगन का डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया, देन करो W देन टॉप एंड जेड, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसे डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे। ओके, क्या देखना, क्लोन टू ऑब्जेक्ट किया मैंने, क्लोन टू एलिमेंट नहीं किया, परस्पेक्टिव एंड जेड। ठीक है, यहाँ पे गए लाइक वर्टेक्स, वर्टेक्स पे गए R4 स्केल। ठीक है, राइट क्लिक एंड टॉप लेवल। ठीक है, अफेक्ट पावर्ट एंड सेंटर टू ऑब्जेक्ट, आप ऐसा कुछ कर सकते हो। R4 स्केल, स्केल कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, गो टू मॉडिफाई, सेलेक्ट पॉलीगन्स, इन पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ करना आपको। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ऐसा कुछ शेप्स है यहाँ पे जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, लेकिन ये पार्ट कहाँ से कनेक्टेड है, मैंने कहा ओके लेट्स सी, दोनों पार्ट को सेलेक्ट करते, राइट क्लिक एंड टॉप लेवल, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे। ठीक है, और देन ऊपर की तरफ। ठीक है, तुमने ये देख लिया, ऐसे कुछ पार्ट यहाँ पे जा रहा है, ऐसी चीज़ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। छोटे छोटे पार्ट को देखना समझना, लाइक ओके मेरे पास कुछ कुछ पार्ट है जिनको मैं देख के चीज़ को फॉलो कर सकता हूँ। जैसे शेप है, इस शेप में देखो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पे, देन ये पार्ट थोड़ा सा नीचे खिंचा हुआ नजर आ रहा है, तो देन हम लोग इसमें से कुछ सेगमेंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक सैम्पल सिलेंडर है, मैंने एक काम कर दिया यहाँ पे, लाइक जो मेरे पास मॉडल है इनमें से कुछ पार्ट को मैं सेलेक्ट करके स्टेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लाइक एडिट पॉली, एडिट पॉली पे चलते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक सिंपल सा पार्ट, अब इन चीज़ को मैं अरेंज कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, लाइक बॉक्स वाले शेप क्लिक में अगर सेलेक्ट करता हूँ, लाइक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन थोड़ा सा ईजी वे में आता है, लाइक स्ट्रेट में करके हम लोग मैनेज करें यहाँ पे परस्पेक्टिव। ऐसे करके हम कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ये पार्ट मैंने ऐसे मैनेज कर दिया, फ्रंट पे गया, देन लेफ्ट एंड जेड। ओके, W प्रेस कर दिया मैंने, देन नीचे की तरफ। ओके, और बस सपोज मुझे लगता है ऐसा, तो एक दो वर्टेक्स और ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तक लेके चलते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा बेटर लगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ सेट कर दिया, देन रोटेशन दे सकते हैं हल्का सा रोटेशन। ओके, वर्टेक्स पे गए W, देन मुझे इस एक्सिस के अकॉर्डिंग काम करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ लोकल। लोकल इसी एक्सिस के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लोकल पे अगर देखा है, लोकल देख लो आप यहाँ पे। ओके, लाइक अभी देख सकते हैं यहाँ पे कौन से इस एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे विजुअल है, लाइक
पैरेंट हमारे पास अगर विजुअल तो पैरेंट के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं कि सेप दे दिया मैंने बेसिक सेप, ठीक है बेसिक सेप मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। और देन यहाँ पे मैं कनेक्टेड दे सकता हूँ सिंपल सा एक देखा है तो सेप्स कैसे हैं सिलेंडर वाले पार्ट यहाँ पे, तो मैं इनको भी थोड़ा सा मैं मैनेज करने के लिए एक काम करता हूँ यहाँ पे ऑल्ट क्यू टी फॉर टॉप एंड जेड, मैंने यहाँ पे क्या किया डू वन थिंग एक सिलेंडर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है सिलेंडर दिया तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल सेप है, इधर भी सिलेंड्रिकल सेप है देन इधर से पूरा पार्ट, देन मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ ओके कैप सेगमेंट, ठीक है 18 सेगमेंट पे आप काम कर सकते हो अगर आप यहाँ पे कर दें पहले सेगमेंट्स के साथ आप मैनेज करने वाले हो तो 18 और देन अप्रॉक्सीमेट डबल सेगमेंट पे मैं मैनेज करने वाला यहाँ पे, ठीक है एडिट पॉली हाई पॉली के बारे में हम लोग काम करते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पे चीज़ का थोड़ा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, इतना बार सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे देन ऑफ, अभी इतने पार्ट को सेलेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा इनको मैनेज कर देना है मुझे यहाँ पे, लाइक पॉसिबल है लाइक से स्टेट कर दूँ यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे भी इसे यहाँ पे भी आ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए मैनेज जाएंगे यहाँ पे, टॉप एंड फ्रंट एंड देन यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे सेप्स को अगर देखो आप यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है हल्का सा रोटेशन है यहाँ पे तो रोटेशन दिया जा सकता है यहाँ पे और लिटिल बिट स्केल कर दो यहाँ पे, ठीक है रोटेशन देन इसमें आप प्लेसमेंट सीख रहे हो यहाँ पे, ठीक है अलाइन करना आता है ऑल्ट ए, ऑल्ट ए फॉर अलाइन, ठीक है यहाँ पे कर सकते सेंटर एंड सेंटर, सेंटर टू सेंटर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है तो आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे मैच स्केल मैच ओरिएंटेशन, लाइक ओरिएंटेशन देखो अलग है यहाँ पे, ठीक है ठीक है यहाँ पे ओरिएंट आपका बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग मैनेज हो गया यहाँ पे, जिस पे मेरे पास काम करने वाला पार्ट हो मैं उसी पार्ट को मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे चलते हैं लाइक पेरेंट या लोकल, ठीक है लोकल हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे तो नीचे प्रॉपर अरेंज हो जाएगा आपके यहाँ पे, अलाइन करना मत भूलना अलाइन का बहुत मेजर रोल होता है, ठीक है ओके अनाइड ऑल प्रीफर परसेप्टिव एंड जेड मैं सारी चीज़ को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक जो चीज़ मेरे को क्लियर नहीं था वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रहा है यहाँ पे, अच्छे ट्रिपॉड व्यू में लाइक ये सेप में देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है इनको मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है थोड़ा सा मैं इसमें चीज़ को फुलफिल कर सकता हूँ, मेरे पास जो सेप्स है सेप्स यहाँ पर मुझे देखेंगे यहाँ पे विजुअल यहाँ पे लाइक ये पार्ट मुझे इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है तो लेफ्ट, ठीक है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि यार अच्छा मेरे पास जो रेफरेंस है रेफरेंस किस टाइप से काम कर रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे देन चीज़ को देखो यहाँ पे सेप्स यहाँ पे सेप्स के बाद यहाँ पे चीज़ को मैनेज करते हैं ओके ये सेप यहाँ पे ठीक है पार्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे लिटिल बिट स्केल देखो यहाँ पे एक साथ नहीं काम कर रहा तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे ग्रुप देन फिर एक साथ ही काम करें यहाँ पे ओके ठीक है इनमें भी हम काफ़ी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे लाइक सेप्स को मुझे अगर थोड़ा सा मैनेज करता हूँ सेप्स को मैं और बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यहाँ पे ठीक है प्रेस करो एम एम में वापस यहाँ पे पार्ट है ओके वायरफ्रेम को आप सेडिट पे कर सकते हो आप यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि आप चीज़ों को किस तरह से फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे ठीक है छोटे छोटे पार्ट लाइक छोटे छोटे पार्ट है जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ लेफ्ट पे गया इनके जो सेप्स है सेप्स थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे चीज़ को मैनेज करते हैं यहाँ पे ठीक है इसकी थिकनेस कम है ठीक है अल्फा इसके लेफ्ट एंड जेड ठीक है थिकनेस बहुत कम है तो हम लोग यहाँ पे थिकनेस कम कर सकते हैं यहाँ पे लाइक सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे डब्लू ग्रुप ग्रुप को कर सकते हैं ओपन ठीक है आरफो स्केल लोकल मैं मैनेज कर सकता हूँ ठीक है ग्रुप एंड क्लोज ठीक है ये वाला पार्ट इसके अंदर कनेक्टेड है यहाँ पे लाइक मैं कहूँ इसमें कनेक्टेड दिखाना तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे लेफ्ट कर दिया यहाँ पे ठीक है
ऑल्ट ए अलाइन, अलाइन याद रखना है पे, सेंटर सेंटर ठीक है, नहीं काम कर रहा है पे, ठीक है ये मैं बस वाला ऑफ कर दिया पे, ठीक है देन मैं इसका तो समय मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है ओके। हल्के से स्केलिंग, लिटिल बिट स्केलिंग, सेप्स को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे सेप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इनकी कनेक्टिविटी देखो, यहाँ पे कनेक्टिविटी देखोगे यहाँ पे लाइक सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, सिलेंड्रिकल शेप थोड़ा सा ऐसा रोटेशन पे है इस टाइप से, कुछ स्टेप्स हैं लाइक मैं इन सेप्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ अभी, सेप्स में बस यहाँ पे ठीक है सेप से को सेलेक्ट करते हैं मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं रोटेशन देता हूँ पे, इस टाइप से कुछ यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया हुआ यहाँ पे, और फॉर स्केल ओके ये भी चेप तो और समय यहाँ पे मैनेज करूँ लाइक स्केलिंग, आइसक्रीम प्लेसमेंट का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा अच्छा से, कुछ पार्ट यहाँ पे देन हम लोग आप शुगर मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ये पार्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं पी फॉर परस्पेक्टिव एंड चेट चेट फॉर जूम, प्लेसमेंट को दो प्लेसमेंट कितना बेटर आप कर सकते हो आप यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा यहाँ पे वायर फ्रेम में जब यहाँ पर आ जाता है आप सेडिट पर आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको सेडिट, ठीक है और एज यू नो लाइक ये जो पूरा पार्ट है ये पार्ट में बस इधर एक तरफ जाने वाला है, ठीक है इसका रेडियस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, इसका रेडियस को मैं कम कर सकते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट करते हैं ग्रुप, ग्रुप को कर दिया मैंने ओपन, ठीक है अब आर फॉर स्केल लाइक ऐसा कुछ सेप्स, ठीक है ठीक है मैनेज किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि लाइक हमने जो कर दिया वो वही है लाइक उसमें थोड़ा सा लगता है चेंजेस तो चेंजेस दिया जा सकते हैं यहाँ पे, देखने की कोशिश को समझने की कोशिश कि कितना पार्ट आप यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है लाइक कई बार ऐसे वर्क नहीं करता तो ग्रुप करके आप यहाँ पर चुका मैनेज कर सकते हो, ग्रुप देन प्रेस ओके, ठीक है छोटी छोटी जगह आप देखोगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा अच्छा मेरे पास ऐसा कुछ सेप्स है, सेप्स के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है प्लेसमेंट का प्रॉपर होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लाइक मैं देखो यहाँ पे इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है लाइक इनको मैं ग्रुप कर देता हूँ ग्रुप, और थोड़ा सा देखते हैं आप इसके रोटेशन यहाँ पर काम कर सकते हैं क्या, लाइक मैंने यहाँ पर काम किया ऐसा कुछ जो इसके अलाइनमेंट रहा है लाइक ऐसा कुछ मैंने काम करते हैं यहाँ पे, जो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ओके मैंने यहाँ पे थोड़ा सेट किया लाइक रोटेशन मौसम, तो ये थोड़ा सा चीज थोड़ी सी मैनेज हो जाएंगे यहाँ पे लाइक, फिर ये पार्ट में बस यहाँ पर आराम से मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, प्लेसमेंट को आपको समझना चाहिए देखो यहाँ पे, अब जैसे ये दोनों प्लेसमेंट कैसी हैं मैंने यहाँ पे ग्रुप कर दिया ओपन अलग अलग हैं, ऑल्ट ए प्रेस कर देना आप यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर ना जाए, ठीक है वो भी दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले ओरिएंटेशन पे काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है एक्स वाई जी लाइक जेड पे नहीं चाहिए यहाँ पे, ओके मैं चाहता हूँ एक्स वाई एंड जी, जी पे कुछ ना हो सिंपल एक्स एंड वाई पे हो, ठीक है तो मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, सेंटर टू सेंटर लाइक यहाँ पे चीज़ को मैनेज करना हो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके तो ये आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, देन आप चीज़ को थोड़ा सा फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, अलाइनमेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेन सारा काम होता है सब चीज़ों की प्लेसमेंट देन विद अलाइनमेंट, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके काफ़ी तरह हमने चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश की यहाँ पे, और ग्रुप ओपन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, जब लगता है नीड है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज भी करेंगे यहाँ पे, ग्रुप एंड क्लोज, ठीक है इसके बीच में छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट को देखिए समझ लिया यहाँ पे लाइक
ये पार्ट हमारे पास क्या फ्रंट से विजुअल है, सिंपल सा पार्ट है, लाइन से ये पार्ट आराम से बनाया जा सकते हैं यहाँ पे। अगर इस रेफरेंस को थोड़ा सा फॉलो करो यहाँ पे, तो मेरे शेप्स क्या है यहाँ पे, लाइक क्लिक कर दिया सिंपल, क्लिक यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ठीक है। तो राइट क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, मॉडिफाई लिस्ट अल्फा लेथ लेथ वाई एंड मिनिमम, ऐसा कुछ शेप्स है यहाँ पे, जेड पे करके देखो, एक्स पे करके देखो, ये शेप मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एस वाई सिमेट्री अगर आपको पता हो, सिमेट्री में मैं यहाँ पे जो उल्टा लेके जा सकता हूँ पे, ठीक है। तो सिमेट्री में गए हम लोग यहाँ पे, और मिरर पे सेलेक्ट करते हैं, देन वापस फ्लिप कर देना आप यहाँ पे, तो आपको सही सही चीज़ बन के आ जाएंगे आपके पास यहाँ पर। आपको बस एक जगह एडजस्टमेंट करना है आपको यहाँ पे, सिमेट्री लेके यहाँ पे चीज़ को मैनेज करते हैं। ओके लेफ्ट में चलते हैं, लेफ्ट में एक्सिस, चलो भाई ऐसा कुछ करना है। तो शेप देखो, शेप हमारे पास आराम से बन के आ गए यहाँ पे, ठीक है। कनेक्टेड क्या है, हम लोगों को कई बार ऐसे रेफरेंस को फॉलो करके काम करना पड़ता है यार, अगर हम लोग ऐसे कुछ काम किया तो देन कौन सा पार्ट कहाँ पे कनेक्टेड है, किस टाइप से चीज़ें फोकस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्फा लेफ्ट एंड जेड, देन यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेक्टर एंड जेड सिर्फ उसको देखो, बनाना स्टार्ट करो, तो आपको यहाँ पे चीज़ फुलफिल हो जाएंगे यार, अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, किस तरह से चीज़ को मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा और चाहता हूँ, थोड़ा सा और सेटिस्फैक्ट्री हो जाए यहाँ पे। ग्रुप ओपन, देन यहाँ पे थोड़ा सा पहले प्लेसमेंट, हल्के से थिकनेस, ठीक है। पॉलीगन पे आते हैं यहाँ पे, F3 नीचे वाला पॉलीगन में चाहिए यहाँ पे, देन मैंने से डब्ल्यू प्लस कर दिया, नीचे तक कर दिया मैं टॉप लेवल, ठीक है। देन प्रोजेक्ट एंड जेड देखने में ठीक लगना चाहिए, थोड़ा सा पोजिशन यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और ग्रुप एंड क्लोज, ठीक है, लेफ्ट, देन रोटेशन, रोटेशन इसी एंगल के बीच में, ओके। इन शेप्स को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ये कवर दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक इसका जो रेडियस है, रेडियस को थोड़ा सा मुझे हाइट छोटा कर सकते हो आप यहाँ पे, हाइट ठीक है। तो वैसे प्लेस में बस कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अपर वाले पार्ट पता है, जैसे मैं शेप्स शेप्स के बारे में बात करूँ यहाँ पे, फ्रंट पे आते हैं, जैसे ये शेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इस शेप्स को मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ, लाइक मेरे पास लाइन है, ठीक है, मैंने कनेक्टिविटी यहाँ पे दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या काम का क्या क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, तो काम करना है, लाइक स्लब को सेलेक्ट कर दिया, मैंने स्लब सेलेक्ट करके स्मूथ कर दिया यहाँ पे, स्मूथ स्मूथनेस में आ गया, ठीक है। तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब बहुत सी चीज़ें, लाइक मैं बहुत बेसिक से शेप है, शेप को बनाने में टाइम नहीं लगेगा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और डिफरेंट शेप है, थोड़ा सा काम कर लें यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करने वाला हूँ। लाइक हम लोग यहाँ पे काम करते हैं बुलेट के शेप्स को यहाँ पे निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉप लेवल लाइक शेप्स को हमें यहाँ पे ले जाना, ठीक है। ये मेरा पूरा पार्ट यहाँ पे, ठीक है। एक बेसिक शेप को बनाने में टाइम नहीं लगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ ऑल्ट क्यों, लेफ्ट पे गए यहाँ पे, ठीक है। और देन शेप्स को हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे, बेसिक बुलेट कैसे बनाते हैं, लेट ठीक है, वाई एंड मिनिमम मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक्स पे काम करके देखो यहाँ पे, एक्स देन एक्सिस, ओके कॉर्नर पॉइंट का हम लोग थोड़ा सा फ्लिट कर सकते हैं यहाँ पे, फ्लिट ओके, उसे भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं आप, लाइक कॉर्नर पॉइंट एंड फ्लैट, ठीक है। बेसिक शेप में यहाँ पे बना सकते हैं यहाँ पे, लिटिल बिट
जैसे यहाँ पे गैपिंग गैपिंग कम ज़्यादा कर सकते हो आप यहाँ पे नीड के अकॉर्डिंग। प्रोस्पेक्टिव भी मैं चाहता हूँ यार इस शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करूँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फ्रंट एंड लेफ्ट न्यू प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अल्फा लेफ्ट, ठीक है। और मुझे किसी चीज़ में कवर करके दिखाऊँ यहाँ पे, लाइक मेरे पास एक पूरा सा बेसिक सा पार्ट यहाँ पे दिखा दूँ कि यार मेरे पास जो शेप्स हैं कुछ इसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एडिट पॉली, जो पॉलीगन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे पॉलीगन्स। ओके उल्टा है, जब ये दिखे ना डार्क डार्क वाला ब्लैक जैसे रेड तो समझो उल्टा है, तो हम लोग लेफ्ट में चलते हैं, लेफ्ट में जाकर फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप नॉर्मल। अब देखो सही हो गया यहाँ पे, ठीक है। एडिट पॉली में गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल बार शिफ्ट एंड कॉपी, ठीक है। जस्ट क्लोन टू ऑब्जेक्ट या एलिमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, एलिमेंट करके देखते हैं इस बार, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे इस चीज़ को मैनेज करना है कि कनेक्टिविटी में रहे, बड़े ध्यान से देख के काम करना है पे, ठीक है। ओके मेरे पास पूरा वाटर है, फ्रंट पे गए लेफ्ट, मैंने यहाँ पे आर फोर स्केल स्केल करते यहाँ पे स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। एफ थ्री और फिर स्केल, ठीक है। देन इनकी कनेक्टिविटी मैं कुछ ऐसा कर सकूँगा, ऐसा कुछ कनेक्टिविटी जो जोड़ सके यहाँ पे, जैसे शेप है इन शेप्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे। ओके और फिर स्केल लाइक मैं थोड़ा मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। ओके ओके जैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो बेसिक शेप है मेरे पास यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव एंड जेड, मैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइक मेरे पास ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल से इस पार्ट को अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे काम करते हैं डिटैच, डिटैच करते हैं मैंने यहाँ पे टॉप लेवल सेलेक्ट करके यहाँ पे यूज़ करते हैं सेल, ठीक है। सेल की थिकनेस कम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, लाइक दो अलग अलग टाइप से कलर, लाइक सपोज एक ब्लैक, ठीक है। दूसरा मुझे अगर मटेरियल चाहिए लाइक अच्छा सा, तो देन यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, बस अलग अलग मटेरियल मेटेलिक कोई मैं मेटल दे सकता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया मैंने, असाइन करते हैं यहाँ पे। इवन अगर मैं मेंटल रे पे चलता हूँ, मेंटल रे पे मेरे कुछ ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, मेंटल रे यहीं पे मैं कॉपर जैसा कुछ बनाना चाहता हूँ, तो आर्क एंड डिजाइन यहाँ पे मुझे मिले कॉपर, सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, देन असाइन कर दो आप यहाँ पे, ऐसे भी कुछ काम किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर मैं प्लास्टिक के रूप में देना चाहता हूँ, लाइक प्लास्टिक है आर्क एंड डिजाइन, तो देन यहाँ पे प्लास्टिक है लेदर है आप यहाँ पे चीज़ को अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे, तो चीज़ आपको फुलफिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एड देन मुझे यहाँ पे अटैच करना होगा, सेलेक्ट कर दिया मैंने अटैच दिस वन, ऑप्शन आएगा मैच मटेरियल आईडी टू मटेरियल, ठीक है। ओके कर दो आप यहाँ पे, पूरा पार्ट मेरे पास कवर कर जाएगा यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, तो मैं चलता हूँ अलाइन, अलाइन में कहाँ चलेंगे यहाँ पे, स्पेसिंग टूल, स्पेसिंग टूल पे चलते हैं। पिक पाथ, पाथ मैंने बना रखा है यहाँ पे, देन चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो चीज़ें अगर मेरे पास यहाँ पे कवर हो जाए तो देन वेल एंड गुड है, देखते हैं यहाँ पे। ओके देखो यहाँ पे शेप्स कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे शेप्स को पहले कम करके देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास नीड है, जब तक मेरे पास नीड ना हो तब तक मैं कोई काम नहीं कर, लगते रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे मैनेज करूँगा, नहीं रिक्वायरमेंट तो मैं मैनेज नहीं करूँगा। अब यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा तब हमें पता चलेगा मैं रोटेशन देना है, ऐसे हम लोग चीज़ों को फुलफिल नहीं कर, लाइक मैं सेप तो यहाँ पे दूँ, लाइक ऐसा कुछ करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर से हमने पिक पाथ करके यहाँ पे लाइक जो क्या पता देन यहाँ पे चीज़ को मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा रोटेशन, ठीक है करें यहाँ पे फॉलो, यहाँ पे देखो फॉलो काम करें नहीं, एजिस पे काम करके देखें यहाँ पे, एजिस पे देखो यहाँ पे एजिस का भी कुछ पार्ट ऐसे ही आपका यहाँ पे लाइक लगेगा, अगर मेरे पास चीज़ें फुलफिल नहीं हो तो थोड़ा सा हमें डील करना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये पूरा पार्ट यहाँ तक ठीक है, यहाँ से मुझे चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो देन ओके लाइक सेंटर पे करके देखते हैं, सेंटर में ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, एजिस के कंपेरिजन मुझे लगता है सेंटर ज़्यादा बेटर देखें यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा सा पार्ट है, हम लोग उसे बहुत बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, तो देन काम करते हैं यहाँ पे।
शिफ्ट आई शॉर्टकट था पिक पाथ, मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है अप्लाई कर दिया देन ओके। इसमें आपको बहुत अच्छा ऑप्शन आपको क्लियर होगा, लाइक ओके शिफ्ट आई पिक पाथ, ठीक है यहाँ पे स्पेसिंग देखो, यहाँ पे नंबर्स काम करके चलते हैं यहाँ तक, ठीक है तो मेरा काम कर जाए यहाँ पे अप्लाई देन क्लोज। जल्दीबाजी मत करना यहाँ पे, जस्ट समझना यहाँ पे, ठीक है मैं जो सेफ एंड सेप्स को मैं यहाँ पे देख सकता, ये सेफ मेरे पास यहाँ पे, अब इनको मैं मैनेज करने वाला लोकल पे, रोटेशन तो यहाँ पे अपने एक्सेस पे रोटेशन होंगे यहाँ पे, ये अगर मैं सेफ दूँगा यहाँ पे देन तो वो प्लेसमेंट का पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे। इवन मैं यहाँ पे जो मैनेज करके देखूँ यहाँ पे व्यू एंड लोकल कर देना, लोकल अपने अपने एक्सेस पे टर्न करना स्टार्ट कर देगा दुकान पर, ये हो गया ठीक है रोटेशन भी दो देन ये अपने अपने एक्सेस पे काम करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा अगर लगता है मैनेज करने की नीड है तो लिटिल बिट आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को फजूल कर सकते हैं यहाँ पे, क्या देखना लाइन को छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है अभी ठीक है देन रोटेशन देना आप यहाँ पे ओके, देन यहाँ पे तो बहुत चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ओके। डी सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, लोकल करना भूलना नहीं, अगर लोकल नहीं करोगे तो ये फिर व्यू के अकॉर्डिंग आपका रोटेशन होगा यहाँ पर। ठीक है तो आप ऐसी चीज़ को मैं मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लाइक किसी में थोड़ा सा मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर जेट, ऐसे भी कुछ स्टेप्स को आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, एक बेसिक लुक एंड फील आप दिया जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे इसका काम हो गया, देन डिलीट कर दो आप यहाँ पे, राइट क्लिक करना इट ऑल, ऐसे हम चीज़ को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। लास्ट में जो कनेक्टिविटी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा सा मैं वर्क करना चाहूँगा यहाँ पे फ्रंट देन ओके, लाइक इनके पॉलीगन्स को मैं सेलेक्ट करके अंदर की तरफ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है प्रोजेक्टिव में चलते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्टिव देन एक्सट्रूड करके देखें यहाँ पे, एक चीज और ध्यान रखें देखो ये मैं अलग कर रहा हूँ तो सब पे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे एक मेक यूनिक का, ठीक है मेक यूनिक करना ताकि ये अलग हो जाए, नहीं तो आप आपके सब में से ये पूरा पार्ट एक्सट्रूड हो जाएगा आपका यहाँ पे। देन ये पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ये पूरा पार्ट देन फ्रंट में हम लोग चलते हैं यहाँ पे, सेम यहाँ पे हम चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, मुझे अगर कनेक्टिविटी देना था देन ठीक है मेक यूनिक है ओके। देखो यहाँ पे ये मेक यूनिक नहीं है, टॉप लेवल सेलेक्ट करो आप यहाँ पे मेक यूनिक कर देना पे, ठीक है गलती से आपने मेक यूनिक नहीं किया तो सब में से पार्ट निकल के आएगा आपको यहाँ पे। ठीक है थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, हल्का सा रोटेशन ऐसे थोड़ा चाहिए आपको थोड़ा सा बेटर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे ओके। कुछ चीज़ों का मैं यहाँ पे जस्ट डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट भी करेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या बात छूट गया यहाँ पे, जैसे पीछे वाला बात ये था तो हम लोग इससे भी मैनेज करते हैं यहाँ पे, बहुत ब्लरी सी इमेज है हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओके। मैं बस पीछे कुछ सेप्स हैं देखो यहाँ पे, तो पीछे वाला कनेक्टेड पार्ट है तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे, सेप्स थोड़ा सा राउंड सा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लाइक बॉक्स जैसा सेप भी है, हल्का सा राउंडनेस भी है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लाइक सिलेंडर टू सिलेंडर, तो सर मुझे अगर मैनेज करना है यहाँ पे ओके डू वन थिंग, यहाँ पे सिलेंडर लिया मैंने यहाँ पे ठीक है, गो टू मॉडिफाई कैप सेगमेंट को मैं कर देता हूँ ऑफ, ठीक है जेट फॉर जूम एफ थ्री, अगर मैं सेगमेंट स्मूथनेस के साथ चाहिए तो मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ये तो यहाँ पे कैप सेगमेंट ऑन करते हैं यहाँ पे एफ थ्री एफ फोर, मुझे आइडिया मिल जाए कहाँ से हम कितने पार्ट तक मुझे लेना, तो इतने पार्ट में यहाँ पे मैनेज करना है ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 18 पे काम करके देखूँ 18, तो इतना पार्ट मुझे विजुअल यहाँ पे ठीक है, तो कैप सेगमेंट के अगर मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ लाइक आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं कन्वर्ट टू पॉली, वर्टेक्स पे गए इतना पार्ट को सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे ओके, देन स्ट्रेट आप यहाँ पे ले आओ। अब हम लोग चाहते हैं ये वाला पॉइंट ना रहे, कंट्रोल एंड बैक स्पेस कर दो आप यहाँ पे, पिछला पार्ट आपके यहाँ पे नहीं रहेगा यहाँ पे ठीक है,
ऐसे भी कुछ काम किया जा सकता है। यहाँ पे बोल्ट हमने बना रखा है, कहीं से एक बोल्ट पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं उस पूरा पार्ट है, ग्रुप करो, ग्रुप एंड ओपन। मैं इस ग्रुप एंड ओपन बार बार बनाने की नीड नहीं है यहाँ पे, तो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, देन सेव एंड कॉपी, ठीक है। कॉपी कर दिया यहाँ पे, एफ फॉर फ्रंट, F3 फ्रंट एंड लेफ्ट, इस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऊपर भी एक नीचे भी, लाइक यहाँ पे देखो व्यू एंड लोकल, लाइक शिफ्ट एंड कॉपी। अलाइनमेंट बहुत ध्यान से रखना है आपको यहाँ पे, देखो मैं अलाइनमेंट में आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल्ट ए अलाइन कर दें यहाँ पे, लाइक प्लेसमेंट यहाँ पे आ गया, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अप फॉर फ्रंट बाहर निकाल दो आप यहाँ पे, एल फॉर लेफ्ट एंड जेड, ठीक है। देन शिफ्ट एंड कॉपी, ऐसा कुछ किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिलेंड्रिकल का शेप दिख रहा है, तो मैं चाहूँ तो अलग से बना देता हूँ, या सिंपल एक लाइन को मैं ट्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अल्फा लेट एक्स पे आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, हमने जो रेफरेंस जो ट्रेस किया वो स्ट्रेट नहीं है, तो थोड़ा सा मैं मैनेज करने की नीड हो जाएगा यहाँ पे, देख रहे हैं। लाइक ये स्ट्रेट पे काम करते हैं, ये थोड़ा सा रोटेशन पे, तो रोटेशन वाले यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं हम स्ट्रेट। ओके लेट्स, इम्पैक्ट बेटर नहीं आएगा अगर मैं इसे स्ट्रेट नहीं करूँगा यहाँ पे, लाइक समथिंग डिफरेंट इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे। ओके मैं इसे रोटेट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, कुछ इस टाइप से पार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, हल्का सा रोटेशन। ओके चीज़ को फजूल करें तो हम लोग यहाँ, इसके बाद हम लोग एडिट पॉली लेके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। लाइक सपोज एडिट पॉली ले लें यहाँ पे, मुझे लगता है थोड़ा बहुत नीट है, तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लूँगा यहाँ पे, सेलेक्ट एंड असाइन विद हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लगता है यहाँ पे नीट है, तो मैं स्पेस के शेप में यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। परस्पेक्टिव देन एजेस एंड लूप, ठीक है। फ्रंट एंड लेफ्ट और फो स्केल, तो मैं स्केल कर सकता हूँ पे, लेकिन शेप्स को कुछ ऐसे भी मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो एडजस्टमेंट है हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, टॉप लेवल ऐसा कुछ शेप दिखा जा सकता है यहाँ पे। ये कहाँ पे बना हुआ है ये भी देख लेना आप यहाँ पे, लाइक डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर मूव, ये मेरा पार्ट यहाँ पर होना चाहिए, ये मेनली बीच में ही कनेक्टिविटी में, तो बीच में ठीक है यहाँ पे। इनके बीच में एक रॉड होगा, जैसे रॉड देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस रॉड के लिए मैं एक काम करता हूँ, सिंपल से एक सिलेंडर, इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, या मैं इस वाले पार्ट को मैं मैनेज कर सकता हूँ, बस ये पार्ट है ना, इसको मैनेज कर सकते हैं। लाइक एडिट पॉली, एडिट पॉली पे गया, देन इतने पार्ट को सिलेक्ट कर दिया मैंने और क्रॉस कर दिया यहाँ पे, टॉप लेवल, ठीक है। एम प्रेस करके यहाँ पे मटेरियल सेंड कर दो आप यहाँ पे, कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैं बस यहाँ वाला पार्ट है, थोड़ा सा अप एंड डाउन है यहाँ पे, ठीक है।
प्रेस करके सबमिट बटन असाइन कर देना आप यहाँ पे, ठीक है। और देन एक बार चेक कर लो आप यहाँ पे कि कितनी चीज़ को हम लोग मैनेज कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री पॉइंट व्यू, ठीक है। जो चीज़ छूट गया हम लोग उसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो बोल्ट हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, बेसिक शेप आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक टॉप लेवल, जैसे मैं बस शेप है यहाँ पे, इस शेप को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे शेप्स मुझे यहाँ पे मिले मैं उनको थोड़ा बहुत मैनेज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, लाइक ऑल्ट आर देन राइट क्लिक एंड कनेक्ट एजेस को थोड़ा तो समझो यहाँ पे, लाइक एजेस यहाँ पे एजेस को लाइक और हल्का सा टिल्टेड, तो बेसिकली सिर्फ थोड़ा सा और बेटर वे में चीज़ों को फोकस कर सकता हूँ। जस्ट गाइस ये एक ब्लॉकिंग का पार्ट है, ठीक है। मैं इसमें मैंने काफ़ी अधिक कोशिश की चीज़ों को काफ़ी कवर करने के लिए, ठीक है। जितने वास्तव रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करने के लिए कुछ हम लोगों ने अपने तरफ से ऐड ऑन किया यहाँ पे, लाइक चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ओके, व्यू एंड पैरेंट यहाँ पे चीज़ों को कवर कर दो आप, यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट कर दो, बॉर्डर बॉर्डर सेलेक्ट करके अंदर की तरफ ले जाओ पे, ठीक है। प्रोजेक्टिव इन जेट, यहाँ देखो इतना पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या 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 काम करना है यहाँ पे, जैसे इसका अब कर दो कॉपी, मिरर कर दो आप यहाँ पे, लाइक मिरर ओके फॉर फ्रंट किया जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, जस्ट छोटा सा पार्ट है जिस मैंने वो सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस वाले की इस वायर की कनेक्टेड आप यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा सा शेप में थोड़ा सा चेंजेस लेके आता हूँ यहाँ पे। मैंने काम करते हैं लाइक यहाँ पे जो शेप है, इस शेप को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, लूप टाइट क्लिक एंड सेम फॉर, ठीक है। सेम फॉर हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, सेम फॉर देन ओके, फिर मैंने काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट आर देन राइट क्लिक एंड कनेक्ट, कनेक्टिविटी पे जाते हैं यहाँ पे, लाइक सेकंड पे गए यहाँ पे, क्योंकि कुछ पॉलीगन्स इन पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑल्ट क्यों कर दो आप यहाँ पे, बीच में जो हॉलो जैसा बना तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, वन टू एंड थ्री डिलीट कर दिया, ठीक है। एजेस को सेलेक्ट करो, वन एंड वन, ब्रिज करने का ऑप्शन आपको पता है यहाँ पे, ब्रिज कर दो आप, ब्रिज वन एंड वन ब्रिज, आप ऐसे शेप्स को भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बीच का शेप आपका ऐसा कुछ आ सकता है यहाँ पे, ओके। राइट क्लिक अनहाइड ऑल, मैंने लेफ्ट से दिखाया, लेकिन मेरे पास जो एक टॉप लेवल लाइन वाला पार्ट है इसको मैं कर्व जैसा मैनेज कर सकता हूँ, लाइक अब मैं करने के लिए यहाँ पे क्या काम करूँगा यहाँ पे, ये शेप मेरे पास यहाँ से कनेक्टेड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं लाइन का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे को भी मुझे मैनेज करना, तो मैं यहाँ पे FFD4 ले सकता हूँ, FFD4 देन वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके टॉप एंड जेट F3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे लाइक हल्का फुल्का कर मेंटेन किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको मैनेज करना चाहिए, ऐसा ना हो कि यार मैनेज करने में दिक्कत हो, आप चीज़ को थोड़ा सा फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे शेप्स वाइज, कैसे आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। जस्ट हमने एक बेसिक से बनाने की कोशिश की यहाँ पे, और बेसिक ब्लॉकिंग के साथ हम चीज़ों को थोड़ा सा वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक शिफ्ट एंड कॉपी कर सकते हैं, कॉपी देन यहाँ पे प्लेसमेंट टॉप एंड जेड F3, ठीक है। आर फॉर स्केल, लेफ्ट एंड जेड चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, दोनों को सेलेक्ट कर दो, ऑल्ट क्यों टॉप एंड जेड, आप यहाँ पे देख सकते हो यार इसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। इट्स वर्किंग,
टॉप एन जेड, ठीक है, क्या कर सकते हैं लोकल राइट क्लिक अनहाइड ऑल, ओके। तो देन हम लोग अब जस्ट चीज़ों को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। जितने मेरे पूरा पार्ट है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, जितने चीज़ों को फुल किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरे पूरा पार्ट है, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। एंड मैंने यहाँ पे क्या करते हैं ग्रुप, ठीक है, लैग कर सकते हैं लैग, ठीक है। देन अब मैं इनको मैं मैनेज कर सकता हूँ पे, लेकिन मेरा पूरा पार्ट ये है तो मैं इसकी जस्ट कॉपी करता हूँ पे, जस्ट मिरर क्लिक कॉपी, ठीक है, कॉपी करके आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। इवन मैं मेरे पास और भी डिफरेंट वे, लेकिन मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने के लिए क्यों सर, मैं देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी यहाँ पे तो कुछ स्टेप से मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ओके। और ठीक है, ये कुछ एक पार्ट है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे इनको छोड़ा जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा पार्ट इसके साथ ही है, ठीक है, ग्रुप कर सकते हैं, पहले इन ग्रुप कर दो, फिर यहाँ पे कर दो ग्रुप, एक्चुअली कई चीज़ों साथ एक जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो सिलेक्ट करते हैं 1 एंड 1, ठीक है, ग्रुप, ग्रुपिंग का ऑप्शन है क्योंकि ये किसी और ग्रुप में भी ऐड होने यहाँ पे, अटैच करें यहाँ पे, अटैच नहीं, नॉट वर्किंग, ओके, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे नहीं आ रहा। डू वन थिंग, ग्रुपिंग नहीं आया तो मैं यहाँ पे फॉर टाइमिंग में अटैच कर देता हूँ, याद रखना इसमें किसी में स्मूथ नहीं है, ठीक है, स्मूथ नहीं होना चाहिए, स्मूथ नहीं है तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मैं अटैच भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे ग्रुप की जगह, लेकिन बाद में डिटैच करना पड़ेगा आपको, लाइक सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, अटैच दिस वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, आई क्लिक अनहाइड ऑल, अटैच कर दें अपने यहाँ पे। एक ऑप्शन देखो आपके पास यहाँ पे भी है, लाइक मैं आप चाहता हूँ इसका पावर्ट यहाँ पे सेट कर दूँ यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग अफेक्ट पावर्ट, देन स्नैपिंग ऑन कर दें, स्नैपिंग ऑन करते हैं यहाँ पे, देन ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं वर्टेक्स पे जाना चाहता हूँ, वर्टेक्स पे गए, ग्रिड पॉइंट, ओके, ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, देन सिंपल अबाउट ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे मिरर करता हूँ तो मिरर मेरे पास अपने आप यहाँ पे ले लिया यहाँ पे मिरर, देन प्रोसेक्टिव, ठीक है, मिरर्स एक्सिस कौन सा यहाँ पे, वाई एन जेड पे काम करते हैं, जेड पे अपने आप यहाँ पे पोजिशन ले लेगा अपने आप, जो पार्ट है मुझे यहाँ पे पता चलेगा, ओके फ्रंट में गया, देन यहाँ पे शेप्स यहाँ तक है, तो मैं इनको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, स्नैपिंग ऑफ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट देखते हैं यहाँ पे कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, इस थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। और ये भी कुछ पार्ट यहाँ पे रह गया, इनको भी हमें प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करके यहाँ पे काम करना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक दिस वन, ठीक है, डिसलाइक कर दो आप यहाँ पे, अच्छा ये भी इसका पार्ट है ना, देन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, एक सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ पे भी है, देन छोटे छोटे पार्ट बाद में दिखते हैं यार, अच्छा ऐसा सिलेंडर कुछ पार्ट रह गया मेरे पास यहाँ पे, तो देन मैंने काम कर दिया यहाँ पे, रोटेशन एंगल एंड 90, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कितना पार्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके इतना पार्ट में चाहिए, देन मैंने काम कर दिया, सेलेक्ट दिस वन, डिसलेक्ट, इसकी नीड है नहीं, ठीक है, इसकी नीड है नहीं, जिसकी नीड ना हो छोड़ दो यहाँ पे, ओके, देन ग्रुप राइट पार्ट, ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं यहाँ पे अफेक्ट स्नैपिंग ऑन, लाइक स्नैपिंग में वर्टेक्स क्रॉस कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है,
स्नैपिंग वर्टेक्स पे यहाँ पे देखना, रुक यहाँ पे रुक जाएगा अपना, ठीक है। देन कोशिश करना मिरर का, मिरर सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, देखो पावर का भी चेंज नहीं हुआ फिर से, गलती से मत देखो कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है तो उसका पावर ले लेते हैं यहाँ पे, ध्यान रख के आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिरर आपके यहाँ पे काम हो जाएगा फुलफिल। बेसिक शेप्स अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ यहाँ पे, तो आपके पास काफ़ी चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ये आपके ट्रेडी हो जाता है आपको, ओके। जस्ट बेसिक ब्लॉकिंग आपके यहाँ पे फुल एंड फाइनल। डिटेलिंग में इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू। ओके दो थिंग काम करते हम लोग, तो ऐसा चाहते हैं कि इसके नीचे एक बेस लगाया मैंने प्लेन क्रिएट किया यहाँ पे, एक मटेरियल में कॉल करता हूँ, स्टैंडर्ड पे चलते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड पे कॉल करना है लाइक यहाँ पे टाइप करना है यहाँ पे मैट शैडो, ठीक है। मैट शैडो आपने टाइप कर दिया सिंपल, आप प्लेन पे सेलेक्ट करना है, देन असाइन करो। असाइन करके देखो आपके यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आता है, जस्ट ब्लैक आएगा। इसको थोड़ा सा मैनेज करने का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे पीछे का ग्रे कलर है, इस कलर पर जाओ, इस पिकर से पिक कर लो एक कलर, एज इट इज़ वो मैच कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड कॉपी आप करके देखो यहाँ पे, तो आपका मॉडल भी दिखेगा, उसका शेडो भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू वांट रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे रिसीव रिफ्लेक्शन, आप रिफ्लेक्शन ऑन कर दो आप यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन भी आपको दिखाएगा कि अच्छा इसका रिफ्लेक्शन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, तो थोड़ा सा क्लोजअप में निकाल देते हैं यहाँ पे, स्विफ्ट एफ सेफ फ्रेम, ओके इसे भी मैनेज कर देते हैं यहाँ पे, ओके पार्ट यहाँ पे, ठीक है। एंड सेफ टेन क्यों, ठीक है, ये आपके बेसिक ट्रेडी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू। ओके गाइस जस्ट वन मिनट एक और काम करते हैं, लाइक रेटर शेड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, शेडो थोड़ा सा और लग रहा था यहाँ पे, यूज़ करके देखते हैं यहाँ पे, आपको शेडो बहुत शार्प आ जाएगा आपके यहाँ पे, बहुत से ऑप्शन है जिनको हमें प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये आपका प्रॉपर शेडो मैनेज हो जाएगा। ओके थैंक यू।